कर दिया है थर्ड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हम थोड़ा लास्ट में पढ़ाएंगे या फिर इसके बाद पढ़ाएंगे, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है लेकिन है नहीं, जबकि ये बहुत ही सिंपल है इसलिए हमने बताया, क्योंकि शुरुआत में जब बच्चे पढ़ते हैं तो पहले उनको सिंपल टॉपिक चाहिए, इसलिए हमने सिंपल टॉपिक पहले चुना है। फर्स्ट चैप्टर तो एकदम सिंपल था, देखे थे आप, इसलिए आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया। आफ्टर इट हम सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे क्योंकि थर्ड चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। शुरुआत में बच्चे अगर सिंपल देखते हैं तो, हालांकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सेकंड चैप्टर बहुत ही हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं, बस आपके समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सो हम इसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें भी। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है ये है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, डालेंगे हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा चैप्टर। अब हम कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने प्रकार के मैग्नेट होते हैं, एक तो हमारा नेचुरल मैग्नेट, एक तो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट, जानेंगे सब कुछ उसके बारे में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में सिंपल डिफिनेशन से कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आपने एक बार पढ़ भी लिया है इसको, एक बार क्या कई बार आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, हेड डालेंगे इसमें पहला नेचुरल मैग्नेट। जो मैग्नेट होता है ये मैग्नेटाइट से मिला है, जो मैग्नेट है, मैग्नेट शब्द हमारा है, ये मैग्नेटाइट से मिला है, मैग्नेटाइट से ही हमारा क्या है, ये मैग्नेट है। मैग्नेटाइट एक प्रकार का स्टोन होता है या Fe3O4 बोलते हैं, ठीक। चलिए लिखेंगे इसमें मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4 फाउंड इन नेचर एज अ ब्लैक स्टोन। मतलब जो मैग्नेटाइट है Fe3O4 जिसे बोलते हैं, ये हमें नेचर में एज ए ब्लैक स्टोन के रूप में प्राप्त हुआ, एज ए ब्लैक स्टोन के रूप में प्राप्त हुआ, विच हैव ए स्पेशल character of टू लगाएंगे तो attraction ए small pieces of iron towards, अभी सब समझा रहे हैं, towards itself, which is known as natural magnet। नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, इसमें कह रहा है मैग्नेटाइट जो हुआ हमें नेचर में एक ब्लैक स्टोन की तरह प्राप्त हुआ, मतलब मैग्नेटाइट जो था हमें एक काले पत्थर की तरह प्राप्त हुआ, जिसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर थी, मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर थी इसके पास, एक दूसरा प्रॉपर्टी थी जिसके पास। अब कौन सी प्रॉपर्टी, करोड़पति तो था नहीं, वाली प्रॉपर्टी नहीं, इसके अंदर एक गुण था, कौन सा गुण था, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, आयरन मतलब लोहे के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को यह अट्रैक्ट कर सकता था टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये एक ब्लैक स्टोन हमें नेचर में प्राप्त हुआ जिसका नाम मैग्नेटाइट था, Fe3O4 फार्मूला रखा गया, जो कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता, उस समय हमें आयरन ही पता था इसलिए डिफिनेशन आयरन के बारे में ही दी गई। हालांकि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ था उसको वो अपनी तरफ हल्का फुल्का अट्रैक्शन कर लेता था, वो तब हमारा क्या कहा गया नेचुरल मैग्नेट, क्या कहा गया नेचुरल मैग्नेट। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है इसके बाद हम जान लेते हैं मैग्नेटिज्म, छोटी छोटी डिफिनीशन पहले समझेंगे उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म के बारे में बताया जाए
कि उस स्टोन की ऐसी टेंडेंसी, या फिर आप बता सकते हो कोई स्मॉल आयरन है, आयरन के पीस को अट्रैक्शन करने की क्षमता ही हमारी मैग्नेटिज्म कहलाती है, द टेंडेंसी ऑफ द स्टोन टू अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीसेस, ऐसे लिख सकते हैं, द टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ स्टोन टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। किसी भी ब्लैक स्टोन को, सॉरी, किसी भी आयरन के टुकड़े को उस पत्थर द्वारा जो आकर्षण करने की टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है उसकी, मतलब कोई भी ब्लैक स्टोन है किसी आयरन को आकर्षित कर रहा है, उसकी वह प्रवृत्ति, उसकी वह टेंडेंसी हमारी मैग्नेटिज्म कहलाती है, उसकी वह प्रवृत्ति हमारी मैग्नेटिज्म कहलाती है। अब मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, लिख लेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट होते हैं हमारे नेचुरल मैग्नेट एंड सेकंड होते हैं हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट। बोलोगे सर ये क्या है, देखिए नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं, वो जैसे कि ये, इसमें अट्रैक्शन करने की क्षमता बहुत कम होती है, अर्थात ये वीक मैग्नेट होते हैं, वीक मैग्नेट। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ये स्वयं हस्तनिर्मित होते हैं, मतलब मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, आर्टिफिशियल मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, ये एक स्ट्रांग मैग्नेट होते हैं जो कि आप यूज करते हो, स्ट्रांग मैग्नेट। इनका यूज, अगर यूज बता दें कि नाउ दिस टाइम इनका यूज ऑलवेज, इन्हीं का यूज हो रहा है ऑलवेज, हमेशा आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज होता है, नेचुरल मैग्नेट का कोई भी यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ वीक मैग्नेट। अब कोई आप मैग्नेट ऐसा लेना चाहोगे, मान लीजिए आपके बाजार में कोई ऐसा मैग्नेट लो कि ये मैग्नेट है जो कि एक छोटे से टुकड़े को, छोटे से आयरन के टुकड़े को ही अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं ना, उसी में आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट मिल रहा है जो कि इतना मैग्नेट लोगे तो इतना बड़ा आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। जो आप जनरली देखते हो मैग्नेट जो होता है उसमें खिंचाव ज़्यादा होता है, कई कई मैग्नेट होते हैं छोटे छोटे होते हैं लेकिन इतना पावरफुल होते हैं, तो जितना ज़्यादा पावरफुल होते हैं स्ट्रांग मैग्नेट होते हैं, वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। हालांकि जो आप यूज करते हो ये भी आर्टिफिशियल है, लेकिन कई ऐसे मैग्नेट हैं जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आप अगर उसको दो मैग्नेट को बराबर में लाकर छोड़ दिया जाए तो चिपक जाते हैं, तो आप जल्दी खींच नहीं सकते, इतना पावर लगता है, हालांकि छोटे छोटे ही होते हैं। बस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आपसे एक क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनते किससे हैं, खोजना खूब, जब खोजोगे तब पता चलेगा, तब जानोगे कि मैग्नेट है क्या, किससे किससे बना है, ठीक। तो आपका एक काम है, आप आर्टिफिशियल मैग्नेट किससे किससे बना होता है, किस चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, वो चीज़ आप बताएंगे, ठीक। हटा दें इसको, चलिए अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होते हैं, मतलब कैसे जानते हैं कि ये मैग्नेट ही है हमारा, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होगी उनके पास, तो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी। मैग्नेट की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी तो यही है, वो स्मॉल आयरन पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, सबसे सिंपल लिख लेंगे, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। दूसरा, मैग्नेट पहली चीज तो बता दिया कि स्मॉल पीसेस आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर ले सकता है। यहाँ पर स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन लिखें या फिर आर मैग्नेटिक सब्सटेंस लिख सकते हैं,
मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारा आयरन को ही अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस कोई सा भी हो अट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज, जो डेंसिटी होती है आयरन की वो एंड पर मैक्सिमम होती है, ठीक। द डेंसिटी, डेंसिटी पूछोगे सर डेंसिटी क्या आती है, मास अपान वॉल्यूम, आप जानते हो रो इक्वल टू एम अपान वी होता है, सब लोग पता है इसको। तो लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट द एंड ऑफ, एंड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के एंड पर। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है आपका, ये कोई नॉर्थ हो गया, ये कोई साउथ हो गया, तो ये इसके एंड पर मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ मैग्नेट, और एंड को क्या बोलते हैं, द एंड ऑफ मैग्नेट, एंड ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड पोल, वो हमारा क्या कहलाता है, पोल, जिसे आप हिंदी में धुरा भी बोल सकते हैं, ठीक। चलिए समझ में आया। तीसरी चीज, यदि किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मतलब सपोज दैट, आप ये सपोज कीजिए, यदि हम कोई भी एक रस्सी ले लेते हैं, कोई भी एक हम रस्सी ले लेते हैं, आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, तो इस समय तो हमारे पास मैग्नेट प्रेजेंट नहीं है, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इसी मार्कर द्वारा। अगर मान लीजिए हम फ्रीली सस्पेंड, ऐसे मान लीजिए कोई रस्सी ले लिए और ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिए, कहीं भी आप छोड़ दीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी फील्ड में छोड़े, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक नॉर्मल एयर वैक्यूम कहीं भी आप छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए नॉर्मल रूम है, इसी प्रकार आप एक मैग्नेट लीजिएगा, मैग्नेट के दो पोल होते ही हैं, मैग्नेट लेने के बाद ऐसे कोई वायर में लटका के फ्रीली छोड़ दीजिएगा, तो अभी देख रहे हैं जैसे छोड़े हम वैसे पड़ा रह गया, अगर मान लीजिए इसको हिलाए डुलाए ना तो ऐसे पड़ा रह गया, लेकिन जो मैग्नेट होता है ये ऐसे घूम जाता है, मैग्नेट कहीं से एंगल से उसको छोड़ दो, छोड़ने के बाद वो ऐसे इस प्रकार घूम जाता है। अब ये डायरेक्शन क्या है जानते हो, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है इस तरफ का, ये आपका हमारे यहाँ का ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मतलब यदि हम फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो मैग्नेट जो है वो दो डायरेक्शन में घूम के छूट जाता है, मतलब ऐसे ही घूम जाता है, एक नॉर्थ एक साउथ। जैसे आपने देखा होगा कंपास सुई में देखा होगा कि उसको भी जब हम छोड़ते हैं, कंपास सुई को ऐसे लेते हैं, लेके जब हम ऐसे अपने हाथ में छोड़ देते हैं, सिर्फ नॉर्थ और साउथ ही बताता है, सेम कंडीशन हमारा मैग्नेट में भी, क्योंकि उसमें भी एक मैग्नेट लगा होता है कंपास सुई में, ठीक, समझ पा रहे हैं, वही कारण है। तो इफ वी फ्रीली सस्पेंडेड एनी मैग्नेट, किसी मैग्नेट को यदि आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, एनी मैग्नेट, इट टर्न नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, वह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाता है, मतलब आप कहीं भी एंगल में छोड़िए वो नॉर्थ और साउथ में हो जाएगा। अब उसके लिए भी होता है कौन सा नॉर्थ घूमे कौन सा साउथ में घूमेगा, जो नॉर्थ की तरफ रहेगा द पोल लिखेंगे, द पोल विच टूवर्ड्स नॉर्थ साइड या नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ की तरफ होगा मतलब जो आपकी तरफ, जैसे मान लीजिए छोड़ दिया ये नॉर्थ है हमारे तरफ से, तो अगर ये इधर है तो नॉर्थ साइड में है तो वो नॉर्थ पोल बोला जाएगा, इस कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड और विच पोल, और जो पोल हमारा विच पोल टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन
स्कार्ड साउथ पोल, वो हमारा साउथ पोल कहलाता है। मतलब यदि हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो एक हमारा नॉर्थ में घूम जाता है, एक साउथ में। जो नॉर्थ की तरफ घूमता है वो नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ घूमता है वो साउथ पोल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। नॉर्थ पोल को किस डायरेक्शन में अब दिखाते हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को हम लिखते हैं कैपिटल एन, और साउथ पोल को लिखते हैं यस। ठीक, नोट कर लीजिए। आप जानते हो किसी भी मैग्नेट में, कोई भी अगर हमारा मैग्नेट है, कैसा भी मैग्नेट हो, मान लीजिए हमारा एक मैग्नेट है, ये हमारा एक नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं? वैसे फिगर बहुत बेकार बना है, एनीवे आप लोग समझ लीजिएगा। नोट कर लिए, हटाएं हटाएं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आएगा। पहला तो ये हुआ कि मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। दूसरी चीज़, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस या आयरन की डेंसिटी होगी वो उसके पोल पर ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़, अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो नॉर्थ और साउथ में घूम जाता है। जो नॉर्थ में घूमता है वो नॉर्थ पोल, साउथ में घूमता है वो साउथ पोल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, जो सिमिलर सिमिलर होते हैं, मतलब सिमिलर पोल होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जैसे कि आपने चार्ज में देखा था, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, और वैसे सिमिलर पोल भी एक दूसरे को रिपल करते हैं। मतलब नॉर्थ नॉर्थ है तो एक दूसरे को रिपल कर देंगे, साउथ साउथ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो तीन तक हो गया था, फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लेंगे। सिमिलर पोल, सिमिलर पोल रिपेल वन एनदर, एक दूसरे से रिपल हो जाते हैं। सिमिलर पोल मतलब जैसे यन यन हो गया, यस यस हो गया, एंड एंड डिफरेंस पोल, डिफरेंस पोल, जो डिफरेंस पोल होते हैं अट्रैक्ट वन एनदर। जो डिफरेंस पोल होता है, मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका यन यस दे दिया गया, यन यस पोल होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। आपको हम फिगर में दिखा दें, मान लो ये एक हमारा यन है, एक दूसरा हमारा यस है। ठीक, एक यन है, दूसरा यस है। अगर यन और यस पास पास रखेंगे तो ये अट्रैक्ट होंगे, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये क्या है, डिफरेंस है ना, एक यन है एक यस है, दो अगर पोल बात कर रहे थे। मान लीजिए ये देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, कोई सब ले लीजिए, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, और ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, ऐसे होगा। तो नॉर्थ साउथ अपोजिट रखेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अगर यहीं पर साउथ साउथ रख दिया जाए तो यहाँ पर देखिए, अगर यहीं पर साउथ साउथ रख दिया जाए फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये साउथ है, ये भी साउथ रख दो, ये एक दूसरे को रिपल कर देंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। सेम कंडीशन हमारा तीसरे वाले में भी होगा, ये एक और एक ये। अगर हमारा नॉर्थ है नॉर्थ, तो इधर भी साउथ, इधर भी साउथ, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। मतलब यहां पर आपको समझ में आ गया, अगर सिमिलर हमारे हैं तो डिफरेंस हमारे हैं, दोनों अगर सिमिलर नहीं हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलर हैं देख पा रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं?
हटा जाए, क्लियर होता है इतना। चल अगला जो कह रहा है, अगर कोई स्ट्रांग मैग्नेट है, कोई स्ट्रांग मैग्नेट है तो वो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर देता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक का गुण आ जाता है, वो भी किसी को अट्रैक्शन करने की क्षमता रख देता है। मान लो अगर हम दो कोई भी एक मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, कोई स्ट्रांग मैग्नेट है उसी के बगल में हम ले जाकर रख देते हैं, या दो मैग्नेट ले लीजिए उसके बीच में ले जाकर रख दीजिए, एक सपोज दैट आयरन, वैसे तो लोहा किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन यदि हम उसके बीच में रखेंगे क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो लोहे को क्या बना देगा, एक मैग्नेट की तरह वो दूसरे लोहे को अट्रैक्ट करने लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम? लिखेंगे द हैवी मैग्नेट, पांचवा द हैवी मैग्नेट इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म ऑफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब इसमें कह रहा है कि कोई हैवी मैग्नेट है, कोई भी हैवी मैग्नेट मतलब बहुत बड़ा मैग्नेट हो, ऐसा नहीं है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, तो हैवी मैग्नेट है वो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ऐसा नहीं है कि आप उसमें लकड़ी ले जाकर रख दो तो वो क्या करेगा अट्रैक्शन करने की, नहीं है ऐसी बात, प्लास्टिक रख दो तो अट्रैक्शन करने की क्षमता हो जाएगी उसमें, नहीं, मैग्नेटिक सब्सटेंस या आयरन को रख दो, मतलब किसी दो मैग्नेट के बीच में यदि हम आयरन रख दें तो वो किसकी तरह काफ़ी दिन तक रखे रहे तो वो एक दूसरे आयरन को अट्रैक्ट करने लगेगा। जैसे मान ले यहाँ पर दिखा दें, एक हमारा मैग्नेट हो गया, ध्यान दीजिएगा, अभी हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो आप पढ़ चुके होंगे, इसमें नहीं पढ़ चुके हैं लेकिन आपने मैग्नेटिक भी तो पढ़ा होगा, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर से पढ़ा गया, थोड़ा और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे हम लोग, जो आप लोग पढ़ के आए हो और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे हम लोग। देखना, मान लो एक यन हो गया, ये यस, तो इसका ये यस होगा, दो सिमिलर जैसे यस है तो यस ये नहीं हो सकता, अपोजिट ही होंगे, अदरवाइज वो मैग्नेट होल्ड ही नहीं करेगा। और एक चीज़, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब एक पोल जिसे या तो नॉर्थ हो या तो साउथ हो, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है, पहली बात। चलिए अगर हम इसके बीच में एक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन रख दें, ये कोई है हमारा आयरन, आफ्टर सम टाइम ऐसे रखे रहे हैं, कुछ समय बाद या कुछ दिन के बाद, यही आयरन का जो टुकड़ा होगा ये बिहेव्स लाइक एज बिहेव्स लाइक एज किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, मैग्नेट मतलब ये भी किसी दूसरे आयरन टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा। आप करके देखिएगा, दो मैग्नेट ले लीजिएगा, उसके बीच में एक छोटा सा टुकड़ा रख दीजिएगा आयरन का, छोटा सा टुकड़ा रखेंगे तो वो काफ़ी दिन तक, दो तीन चार दिन छः दिन रखे रहिएगा, उसके बाद उसको निकालिएगा, किसी एक दूसरे लोहे के पास रखेंगे तो दूसरे लोहे को अट्रैक्ट कर लेगा, छोटा लोहा रखिएगा उससे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो आए नहीं रहेगी कि वो अट्रैक्ट कर लेगा, छोटा लोहा रहेगा तो उसे अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक, चलिए, बिहेव्स लाइक एज मैग्नेट, समझ में आया, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। द एंड ऑफ मैग्नेट इज अपोज टू द एंड ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मान लो ये एंड है इसका, ये
इसका मान लो नॉर्थ है इधर साउथ है, तब जाकर ये होल्ड करेगा। आयरन भी जब ये मैग्नेटाइज कर देगा, इसको ध्यान समझिएगा, इसको मैग्नेटाइज कर देगा तो इसमें भी आयरन के मतलब मैग्नेट का गुण आ जाएगा, दो पोल क्रिएट होंगे, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ। ऐसा कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा नॉर्थ और साउथ हो जाए, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसमें जो पोल्स आएंगे आफ्टर इट, इसमें पोल्स आ जाएंगी, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ। देख पा रहे हैं ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो ये कुछ कंडीशन थी। आफ्टर सम टाइम हम आपको एक नया फिगर बना के दिखा देते हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। यहां पर हमारा नॉर्थ था और जस्ट ये हमारा साउथ था, ये नॉर्थ और साउथ। इसके बीच में जो आयरन रखा गया था हमारा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ है तो ये साउथ क्रिएट हो जाएगा, साउथ है तो ये नॉर्थ, अपोज होता है तभी तो होगा, अदरवाइज ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ नहीं, क्रिएट ही नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, और एक चीज़ हम बता दें आज के ही लेक्चर में, कोई भी हमारा मैग्नेट है, कोई भी हमारा मैग्नेट है, मान लो ये हमारा मैग्नेट हुआ, ये एक नॉर्थ हुआ एक साउथ पोल हुआ, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल की तरफ मूव करता है मैग्नेट। आगे चल के हम बताएंगे, हालांकि नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में जाएगा। नॉर्थ को हम लाइक एज पॉजिटिव की, जैसे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से हमारी निकलती, जैसे यहाँ पर देखते रहते पॉजिटिव चार्ज जब हमारा था तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही थी, और जब हमारा निगेटिव आ गया था इधर आ रही थी। लेकिन इसमें क्या अंतर हुआ करता था, आगे चल के हम अंतर भी बताएंगे, या आकृति खत्म हो जाती थी, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर उसके अंदर से फिर पैरेलल होकर नॉर्थ की तरफ, फिर ऐसे से ये एक फुल वक्र नहीं बनाती थी, मतलब फुल कर्व नहीं बनाती थी, हाफ कर्व बनाती थी, बट ये एक सर्कल बनाती, सर्कल नहीं बनाती तो मान लीजिए एक कर्व बनाती, वो भी फुल कर्व बनाती है, एक क्लोज्ड पथ बनाती है, सिंपल सा आप बोल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी होगी। तो इसी तरह के वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, आगे कई वीडियो में मिलेंगे, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, नहीं तो हम जब वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल सा सोशल मीडिया के लिंक दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, किसी पर भी आप फॉलो करके हमें भेज सकते हैं मैसेज और हम आपके आंसर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगला जो वीडियो आएगा हमारा, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे, जो कि कई इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस होंगे, जैसे पोल स्ट्रेंथ हो गया, कई बच्चों को नहीं पता पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, कई बच्चों को नहीं पता, जैसे मैग्नेटिक आज कंप्लीट हो गया, कई बच्चों को नहीं पता मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है, गॉस लॉ देखेंगे वहाँ पर, मैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी देखेंगे जिसे जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सब कुछ देखेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर इम्पॉर्टेंट, ये तो हम बच्चों वाला खेल था, सिंपल था, सभी बच्चों को आता था ये, लेकिन बताना ज़रूरी था, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भूल गए होते हैं, कोई बात नहीं, आप इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी होगी और ये समझ में भी आया होगा, समझ में आओ लाइक करके सब लोग बताइएगा कि हाँ हमको समझ में आ गया, आप लाइक करोगे तो हमें ये समझ में आएगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।